जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरेज भी पुणे में हमको देखने को मिला, क्योंकि जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और दो लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरेज और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी, उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी, ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है, आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापिस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है, शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी। लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी।